मेरा मसीहा है, हर दर्द जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह को, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान है। इंसान है वो कामिल, हर सच्चा खुदा वो है, हर सच्चा खुदा वो है, वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, जो क्रूस पे कुर्बान है। आज गुड फ्राइडे के मौके पर मैं आपको प्रभु यीशु के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने हमसे प्यार किया, जिस प्यार की वजह से उनके चेहरे पर निशान पड़े, ऐसे जख्म जो किसी आदमी ने नहीं देखे, उस पर वार किए गए, उसे थप्पड़ मारे गए, बालों को नोचा गया, मुंह पर थूका गया और फिर सर पर कांटों का ताज धसा गया। जैसे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, हम सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से गिरे हुए हैं। जब हम सब निराश और बेबस होकर अपने जीवन को नरक की ओर घसीट रहे थे, तभी परमेश्वर देहधारी हुए हमें नरक से बचाने के लिए। ये भविष्यवाणी थी कि उसका नाम यीशु होगा और वो हमें हमारे पापों से बचाएगा। हाँ लड़कियों, वो हमारे लिए पीड़ित हुआ और उस जैसा दुख फिर किसी इंसान ने नहीं देखा। वो जिस पाप की सजा भुगतने के लिए सूली पर चढ़ा था, वो पूरे संसार का पाप था, मेरा पाप था, आपका पाप था। उन्होंने नरक की यातना को भुगता ताकि हम जिए एक ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म ना हो। और जो लोग उनके पैरों और हाथों पर हथौड़े बरसा रहे थे, कीले ठोक रहे थे, प्रभु यीशु ने उनके लिए भी प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कीजिए क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये सच है कि उन्हें एक पापी कहकर धुतकारा गया और हमने उससे अपना मुंह मोड़ा, हमें उनके जख्मों पर शर्म आती रही। उन्होंने मृत्यु को इसीलिए गले लगाया ताकि हमें एक सुंदर जीवन मिले। उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और अपनी मृत्यु के तीसरे दिन वो जी उठे, और जो कोई उन पर विश्वास करता है वो भी जिएगा। उसका ये कहना है, क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आप ये हमेशा याद रखिए कि उसे धुतकारा गया और हम उससे शर्मा गए, उसे मारा गया, उस पर तरह तरह के घाव लगाए गए, और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि हम पाप के कोड़ से ग्रस्त थे। जब उसने हमें इतना प्यार दिया तो हम उससे कैसे शर्मा सकते हैं? आप उसके महान प्रेम का जवाब अपने विश्वास भरे प्यार से दीजिए। अच्छा हुआ आप आज आ गए, अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सच कहूं तो आप उन लोगों में से हैं जिन पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। आपने मुझे इस काबिल समझा, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप कैसी बातें करती हैं? आप जहां जाती हैं वहां प्यार और मुस्कुराहट भर देती है। शायद प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करता है,
इसीलिए आप सबको इतना प्यार देती हैं। आपने मुझे मौका दिया है तो आपके खातिर मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। प्रभु यीशु को सबकी चिंता है, वो किसी को अनदेखा नहीं करता। यही बात मैं कल रात लड़कियों को समझा रहा था। और एक बात, बाहरी सुंदरता से ज्यादा मायने रखती है भीतर की सच्चाई जो आप में है। अच्छा तो अब मैं चलूं, लड़कियां मेरा इंतजार करती होगी। अच्छा चलती हूँ मैं। शाना कहाँ थी तू इतनी देर, कब से राह देख रही हूँ तेरी। सॉरी जरा देर हो गई। क्या बात है, तू इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों है। कुछ नहीं। कुछ तो है मेघा, एक बात पूछूं तुमसे। हाँ पूछ। अगर तुम्हें खूबसूरती और अच्छाई इन दोनों के बीच किसी एक को चुनना होगा तो तुम किसे चुनोगी। ऐसे अजीब सवाल क्यों पूछ रही है। जवाब दे मेघा, खूबसूरती अच्छाई। जाहिर है खूबसूरती, क्योंकि मेरे हिसाब से जब तक आप खूबसूरत नहीं हो तब तक कोई आपकी अच्छाई जानने की कोशिश ही नहीं करेगा। अगर आप बदसूरत हो तो या तो लोग आपसे हमदर्दी जताएंगे या फिर तुमसे दूर भागेंगे, फिर तुम्हारी अच्छाई देखने का कोई मौका ही नहीं मिलता। शायद तू सही कह रही है। क्या हुआ। शायद मैं ही गलत सोच रही थी। पर हुआ क्या शाना। कुछ नहीं, चल जाते हैं। शाना देख कितनी भद्दी औरत है, कितनी बार देखा इसे स्कूल में। ये तो पूछ रही थी ना खूबसूरती या अच्छाई। मैं इस औरत के साथ जाकर कभी बात नहीं कर पाऊंगी, फिर मुझे पता कैसे चलेगा ये अच्छी है या बुरी। मुझे तो इसे देखकर ही उल्टी आती है। कौन है ये। मुझे नहीं पता। शाना कैसा रहा बोटिंग ट्रिप। शाना क्या हुआ बताओ तो, कैसा रहा बोटिंग ट्रिप। Thank you.
क्या बात है शाना, न तुम कुछ कह रही हो न तुम्हारी माँ किसी से बात कर रही है, क्या हुआ है? शायद मेरी ही गलती है दादी। मतलब? दादी, आज मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे माँ के बारे में पूछा। माँ के बारे में? क्या? यही कि ये बदसूरत औरत है कौन? शाना? और मैंने कह दिया कि मैं नहीं जानती, और शायद माँ ने ये सुन लिया। तुमने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया? और मैं क्या करती दादी, मुझे शर्म आती है। तुम्हें अपनी माँ पर शर्म आती होगी शाना, लेकिन मुझे अपनी बहू पर शर्म नहीं आती। मुझे फक्र है अपनी बहू पर। जानती हो शाना, जब भी लोग मुझसे कहते हैं आपकी पोती बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जानती हूं मेरी पोती को उसकी खूबसूरती उसकी मां से मिली है। हां शाना, तुम्हारी मां भी बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह, या शायद तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत। पर प्रभु के मन में उसके लिए कुछ और था। शाना, क्या तुम जानना नहीं चाहती इतनी खूबसूरत औरत इतनी बदसूरत कैसे बन गई? कैसे दादी, कैसे? नहीं शाना, मैं नहीं बता सकती। जिस माँ का दिल आज तुमने दुखाया है, इस सवाल का जवाब उसी से सुनो तो बेहतर होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, शरीर की खूबसूरती से अच्छी और नेक होती है मन की खूबसूरती, जो तुम्हारी माँ में है। आज मैं, तुम, हम सब जो कुछ भी है सिर्फ तुम्हारी मां की वजह से। शाना तुमसे कुछ कहना चाहती है। उसे जो कहना था उसने कह दिया, मैंने सुन भी लिया। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। प्लीज माँ, मेरी बात सुन तो लो। सुनूं मैं? यही कि तुमको अपने दोस्तों के सामने मुझे मां कहने में शर्म आती है, क्योंकि मैं बदसूरत हूं, जिसे देखकर सबको घृणा आती है, किसी को उल्टी। ऐसी बात नहीं है मां। तो फिर क्या बात है?
तो क्या बात है? मैं समझती हूँ बेटा, पर तुम्हें जिस वजह से शर्मिंदा होना पड़ रहा है उसकी वजह कौन है ये जानने की तुम कोशिश नहीं करोगी? तुम? मैं? दादी? हाँ शाना, आज तक तुम्हारी मां ने कहा था कि ये बात किसी को ना बताई जाए, लेकिन अच्छा हुआ आज इस बात का जिक्र उसने खुद किया है। वो तब की बात है शाना, जब तुम बहुत छोटी थी, 6-7 महीने की। तुम्हारे पिताजी तब तुम दोनों को छोड़कर जा चुके थे, तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर अकेले उस घर में रह रही थी। मैं रोज एक चक्कर लगा जाती। उस दिन जब मैं आई तब मैंने नुक्कड़ से ही लोगों की भीड़ को तुम्हारे घर की तरफ भागते हुए देखा। मैं भी उनके साथ दौड़ी। जब घर तक पहुंची तब देखा पूरा घर आग की लपटों से घिर चुका था। मुझे लगा शायद मैं तुम दोनों को फिर कभी देख ही नहीं पाऊंगा। हमेशा की तरह उस दिन भी मैं घर में अकेली थी, तभी अचानक कुछ चने की बदबू आई, और इससे पहले कि कुछ पता चलता पूरा घर आग से घिर चुका था। हर चीज को निकलते हुए आग मेरी तरफ बढ़ रही थी। तब चाहती तो मैं सही सलामत निकल सकती थी और मेरे शरीर पर एक खराश भी ना थी। तभी मुझे तुम्हारे रोने की आवाज सुनाई दी। आग तुम्हारे चारों ओर फैल चुकी थी। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैं तुम्हारी तरफ भागी और आग से जूझती हुई तुम्हें वहां से बाहर निकाल ले आई। पर ऐसा करने से मेरे कपड़ों में आग लग गई, बाल जल गए। आखिरी बात यही याद है कि कुछ लोगों ने मुझे संभाला। तब मुझे लगा क्यों की प्रभु ने मुझ पर कृपा, तुम्हारी जान बचाने के बाद मुझे मर जाने दिया होता। पर नहीं, अगर मैं मर जाती तो तुम्हें पाल पोस कर कौन बड़ा करता? उस हादसे से बाहर निकलने के लिए मुझे कई महीने लगे, और जब मैं अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करने लगी तब मुझे पता चला कि मेरे पैरों के नीचे तो जमीन ही नहीं है। मैं अपनी नौकरी खो चुकी थी। लेकिन फिर से प्रभु ने मुझ पर कृपा की और तुम्हारे स्कूल में मुझे छोटी सी नौकरी मिली। आज उसी छोटी सी नौकरी के बलबूते पर तुम्हारी खूबसूरत माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हें जिन निशानों से शर्म आती है मुझे इन पर फक्र है। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि ये निशान मुझे अपनी बेटी की जान बचाने के बदले में मिले हैं। याद है कल तुम्हारे टीचर ने क्या कहा था? प्रभु यीशु हम सबसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने हमारे लिए दुख दर्द उठाए, इसलिए वो सूली चढ़े
हमारे हिस्से की मौत उन्होंने अपने सर ले ली, हमारे हिस्से का नर्क उन्होंने भुगता, हमारे पाप की सजा उन्हें मिली, और ये सब करते वक्त उनके चेहरे पर भी निशान पड़े, ऐसे निशान जो शायद किसी और के चेहरे पर ना हो। अब अगर हम उनके जख्मों पर शर्म महसूस करने लगे तो दफनाए जाने के तीसरे दिन प्रभु यीशु फिर से जीवित हुए, वो आज भी जिंदा है, वो आज भी हमारे कर्मों का भार अपने कंधों पर ढो रहे हैं। क्या तुम इससे मुंह मोड़ सकते हो? क्या तुम उसके शरीर के निशानों से नफरत कर सकती हो? I'm sorry, Ma. Ma, I'm sorry. I'm really sorry. Ma, मैं फिर कभी ऐसा नहीं सोचूंगी। उसने खुद मौत सही उसने।